हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे पेज लेआउट टाइप का यूज हम एक्सेल के अंदर किसी भी डाटा को प्रिंट करने के लिए कैसे यूज करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे लेंगे हम पेपर साइज। तो जैसे ही हमने यहाँ पे साइज पे क्लिक किया और यहाँ पे लेना आपको A4, मोस्टली जो हम काम करते हैं A4 पे। तो A4 साइज लेने के बाद आपको ये प्रिंटिंग एरिया दिखा देगा कि आपका एक पेज पे जो प्रिंट होगा वो DA तक। अब इसे हमें यहाँ पे लास्ट टेक्स सेट करना है, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ इसका प्रिंट व्यू। तो प्रिंट व्यू में आप देख सकते हैं यहाँ पर कि एक पेज पे आपका कहाँ तक आ रहा है, DA तक। उसके बाद ये हमारा जा रहा है नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज में देखिए नेट पे, उसके बाद नेक्स्ट पेज। ये टोटल डाटा आपका जो जा रहा है वो जा रहा है 3 पेज पे। तो इन सबको हमें एक पेज पे प्रिंट करना है, तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले सिलेक्ट पेपर साइज, हमने लिया साइज A4। उसके बाद मार्जिंग, मार्जिंग पर जाने के बाद यहाँ पर कस्टम मार्जिंग में जाइए और यहाँ पर देखिए सबसे मिनिमम मार्जिन लेना आपको 0.5। मैंने यहाँ पे चार तरफ कर दिया 0.5, 0.5 और 0.5। तो टॉप बॉटम लेफ्ट राइट में मार्जिन हमने सेट कर दिया 0.5। इससे कम नहीं करना है क्योंकि हमें प्रिंट करने के बाद स्टेपलर भी करना पड़ता है। ओके करने के बाद हमने दो चीज़ें यहाँ पे सेट कर ली। उसके बाद ऑप्शन है हमारे पास ओरिएंटेशन। तो ओरिएंटेशन करने से पहले यहाँ पे सभी को सेट कर लीजिए एक साथ, सभी डाटा को। ये देखिए मैंने सबको सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है या होम टैब पे जाकर आप यहाँ पे फॉर्मेट का ऑप्शन लेकर के आप यहाँ पे ऑटो फिट कॉलम रेथ यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो ये डाटा बीच में ऑटोमेटिक एडजस्ट हो गया। तो आप ये देख सकते हैं कि LDA तक हमारा एक पेज आ चुका है। मैं इसका प्रिंट पे चेक कराता हूँ, ये देखिए ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं ये LDA तक आ रहा है, बाकी ये जा रहा है हमारा नेक्स्ट पेज पे। उसके बाद ये देखिए अभी भी 3 पेज पे आ रहा है। इतना करने के बाद भी एक पेज पे नहीं आएगा तो आपको यहाँ पे जाना है पेज लेआउट में और क्लिक करना है ओरिएंटेशन। जैसे ही मैं ओरिएंटेशन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आपको लेना है लैंडस्केप, ठीक है, क्योंकि ये हमारा पेज अभी पोर्ट्रेट में है। पोर्ट्रेट लैंडस्केप में क्या डिफरेंट होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका प्रिंट व्यू चेक करने के बाद यहाँ पर इसकी लंबाई ज़्यादा है और इसकी चौड़ाई कम, तो इस पेज को हम इसे घुमा देंगे। तो हमने कर दिया इसे लैंडस्केप। तो देखिए मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ लैंडस्केप, ठीक है, ये देखिए और क्या कर दिया, ओके। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि एक पेज आपको दिखा दिया OTA तक और अभी ये डाटा आपका सेकेंड पेज पे जा रहा है, सिर्फ 4 कॉलम्स, ठीक है। तो इतना करने के बाद भी एक पेज पे नहीं आता है तो सबसे पहले आपको क्लिक करना है यहाँ पे व्यू टैब पे। व्यू टैब पे जाने के बाद एक ऑप्शन से हमारा पेज ब्रेक प्रीव्यू, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा ओके का, यहाँ पे ओके प्रेस करना है। उसके बाद ये देखिए लाइन है ब्लू लाइन, ये आपको दिखा रहा है लाइन आपकी कटी हुई है। तो जैसे इसको क्लिक करके इसको आपको ड्रैग करना है आपको यहाँ लास्ट तक, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ करेंगे नॉर्मल। तो नॉर्मल करने के बाद फिर इसका प्रिंट व्यू चेक करिए, आप देख सकते हैं कि डाटा आपका एक पेज पे आ चुका है। ये देखिए इस तरीके से। तो किसी भी डाटा को आसानी से आप इस तरीके से एक पेज पे सेट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए मैं आपको दिखाता हूँ एक ऑप्शन से हमारे पास प्रिंट एरिया, जिसका काम होता है जितना आप चाहते हैं सिर्फ उतना ही प्रिंट होगा। हम चाहते हैं कि मुझे यहाँ से यहाँ तक प्रिंट करना हो या फिर यहाँ से यहाँ तक प्रिंट करना हो, तो उसके लिए क्या करेंगे हम? तो प्रिंट एरिया का यूज़ करने के लिए सबसे पहले हमें डाटा सेलेक्ट करना है। ये देखिए इस टाइप से मैंने यहाँ तक फिर सेट कर लिया, या फिर आपको यहाँ तक चाहिए ESI तक, तो मैंने इतना सेट कर लिया। इतना करने के बाद प्रिंट एरिया में क्लिक जा करके और यहाँ पर करना आपको सेट प्रिंट एरिया। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो देख सकते हैं आपका ये डाटा एक पेज पर सेट हो चुका है। मैं आपको प्रिंट व्यू में चेक करके दिखाता हूँ, ये देखिए इस टाइप से अब ये डाटा हमारे पास कम हो गया। तो हमें अभी यहाँ पे लैंडस्केप की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने दोबारा पेज सेटर में जा करके पेज में जा करके इसको हमने पोर्ट्रेट कर दिया, क्या कर दिया, ओके। तो ये देखिए आपका एक पेज पे डाटा आ चुका है, ठीक है। इतना करने के बाद ये डाटा आपका देखिए यहाँ पे मार्जिन हमने बराबर लिया था लेफ्ट में और राइट में, तो डाटा हमारा सेंटर में नहीं आ रहा। तो सेंटर में लाने के लिए आपको यहाँ पे पेज सेटअप पे दोबारा क्लिक करना है और जाना है आपको मार्जिन में। मार्जिन में जाने के बाद एक ऑप्शन से हमारा हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली आपका लेफ्ट राइट दोनों साइड में, वर्टिकली आपका ऊपर टॉप और बॉटम। तो हमने कर दिया हॉरिजॉन्टली और कर दिया ओके। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये डाटा आपका यहाँ पे सेट हो चुका है। ये साइज छोटा छोटा है तो इसको आप बड़ा करने के लिए आप पेज सेटअप में जाइए, पेज में जा करके यहाँ 73% है, इसे कर दिया हमने 80%, क्या कर दिया, ओके ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं आपका साइज टेक्स्ट का बड़ा हो गया। तो इस तरह से किसी भी पेज को आसानी से सेट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स है हमारे कमेंट बॉक्स में डालिए, आपको 100% उसका आंसर देंगे। थैंक यू।